इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के बैनर तले चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज सेक्टर 32 एसडी कॉलेज में एक चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है, 11th मिस्टर चंडीगढ़। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सूरज जी जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं। सूरज जी, मुझे थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताएंगे, क्या इवेंट है और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, मैं पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपके सारे जितने भी फॉलोअर हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, ये 11वां मिस्टर चंडीगढ़ चैंपियनशिप है। हम एनुअल हर साल ये 11 साल से रेगुलर अपाए ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं और इसमें बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, मैन फिटनेस और वुमेन फिटनेस, ये तीन कैटेगरी है हमारी। और हमने एक नई, जैसे कि एथलेटिक फिजिक है, एक स्पोर्ट्स फिजिक है, मतलब एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी है इस साल। तो यहाँ पे हमारे पास 100 के आसपास मतलब बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज। तो ये 6 से 6:30 बजे तक हमारा बॉडी बिल्डिंग इवेंट चलेगा। आज ही फाइनल हो जाएगा? हाँ, आज ही फाइनल हो जाएगा। और चंडीगढ़ से बाहर से कुछ एंट्रीज आएंगी? नहीं, मतलब बड़े ट्राई सिटी के आसपास, चंडीगढ़ के लड़के मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डिंग में मतलब जितने भी ट्रेनर हैं और जिम ओनर हैं, मतलब जिम वाले हैं, सभी लोग यही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और ये अपने ट्राई सिटी के आसपास के सब लोग। अच्छा, एक टाइम था कि जब लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते थे या एक फिजिक्स तैयार करने के लिए। हाँ। आज की डेट में हमारा रूटीन जो हो गया है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके लिए जिम एक नेसेसरी हो गई है। तो अभी आपको लगता है कि लोगों में वो पुराने वाला ट्रेंड बॉडी बिल्डिंग वाला है बचा हुआ, कि सिर्फ अपनी रूटीन को सेट करने के लिए आ रहे हैं? देखो, क्या है, बॉडी बिल्डिंग का तो ट्रेंड बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, लेकिन जो फिटनेस का ट्रेंड वो उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि क्या था, पहले लोगों के दिमाग में एक ही बात थी भी, जो बॉडी बिल्डिंग ओनली यूथ के लिए है, मतलब क्योंकि आज तो मास्टर कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस होती है जिसमें कि 40+, 50+, 60+, मतलब 60 साल के लोग भी बॉडी बिल्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इसका दौर मतलब लाइफ टाइम का हो गया, तो आज बॉडी बिल्डिंग ही लाइफ टाइम के लिए है। मतलब जब 65 साल का बंदा अगर 6 पैक के साथ स्टेज पर खड़ा है तो आप बोलेंगे फिर मतलब वो दौर कब खत्म होएगा, वो तो नहीं होगा। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी हमारा, एक परसेप्शन हमारे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जो भी बंदा बॉडी बिल्डिंग में जाता है, वेट लिफ्टिंग में जाता है, अगर वो छोड़ देता है तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी ढलक जाती है। ऐसा कुछ है, ये परसेप्शन है कि सही में? सर, मैं एक बात आना चाहता हूँ, देखो क्या है, कोई भी है, अगर अपने पास बाइक है, अगर उसमें कपड़ा नहीं मारेंगे ना, कल को डस्ट तो आएगी, है ना, वही हमारी बॉडी है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, डाइट नहीं रखेंगे, तो ऑटोमेटिक बात है ये रफ तो होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। जिसने एक बार बॉडी बना ली वो मेंटेन भी रख सकता है, मतलब, लेकिन है पैशन की बात, करते वही लोग हैं, मतलब इसको फॉलो करते हैं, मतलब डाइट को और रेगुलर वर्कआउट करना, मतलब पैशन और जुनून के लोग। अच्छा, डाइट की बात करें, आप इसमें जो आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं या सीखने आते हैं, उनको आप किस तरह की डाइट्स प्रोवाइड सजेस्ट करते हो? देखो, फिटनेस के लिए यह है, तो सबसे पहली बात मतलब इसमें फाइबर और प्रोटीन जो डाइट है, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, जो कंपलसरी है। मतलब आपकी डाइट में मतलब प्रोटीन की डाइट होनी चाहिए और फाइबर की डाइट होनी चाहिए। फाइबर में जिस तरह ग्रीन सैलड वगैरह सब्जी वगैरह होती है, प्रोटीन में मतलब दूध दही दाल, मतलब प्रोटीन जैसे कि बोलते हैं अपना नॉन वेज आता है, जिस तरह के चिकन अपना, ये चीज़ें होती हैं। तो नॉन वेज के, अगर जो नॉन वेज नहीं करता तो उसके लिए भी बहुत सी बहुत सारी हैं, जैसे ब्रोकली है, वेज में आंदी हैं, मतलब पनीर है, मशरूम है, मतलब बहुत सारी ऐसी है। आज का टाइम में मतलब डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज को मन बात है, मतलब हर जगह पे, हर छोटे बड़े शहर में हर जगह मिल जाती है, डाइट का इशू नहीं है। अच्छा, कुछ यूथ जो हैं सिंथेटिक प्रोटीन की ओर चले जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि वो प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं? जैसे ना, मतलब सिंथेटिक की बात इस तरह है, जैसे वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन भी एक डायरी प्रोडक्ट है, वे प्रोटीन पनीर पानी से बनता है। जैसे मैं दूध दही लस्सी अगर वो नुकसान नहीं कर सकती तो मैं मानूंगा भी वे प्रोटीन भी नुकसान नहीं करता, लेकिन इसकी जो एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि डुप्लीकेसी बढ़ी है हमारे यहाँ पे, प्रोटीन के नाम पर अगर कुछ और ही चीज़ हम खाई जा रहे हैं तो वो चीज़ नुकसान करती है, अगर जेन्युइन प्रोटीन होगा तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, एक आप यूथ के लिए एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि यूथ जो है आजकल थोड़ा नशे में की ओर ज़्यादा जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से जा रहा है, किसी भी चीज़ से, तो यूथ के लिए आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए जो कि अपने आप को इस नशे से दूर रख के अपनी बॉडी कैसे सेट रख सकता है और इस तरफ कैसे रुझान ला सकता है? देखो, मैं ये बात बताना चाहूँगा, आप यूथ की बात नहीं करते, मैं आम ह्यूमन की बात करूँगा भी, कोई भी, चाहे छोटा है बड़ा है, कोई भी है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, मतलब मैं बोलता हूँ यार, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ना हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, जिसने आपका लाइफ टाइम साथ देना, मतलब और कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, इसकी केयर करो। मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी में आपको कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, अगर आप पैसा के पीछे हो,
धन दौलत और किसी भी चीज़ के पीछे आप लगे हो, अगर आप अपने शरीर को भूल गए, क्योंकि देखे ऑफिशियली बात है, जब आप दूसरी चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो आप अपने आप को भूलता है बंदा। अगर हम पैसा कमाने की लालच करेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी रफ होएगी। अगर हमारी बॉडी रफ हो जाती है, अगर हमें सांस अच्छे तरीके से नहीं आएगा, पेट दर्द सिर दर्द होगा, तो हम लाइफ क्या जिएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी बॉडी है, सिर्फ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, बाकी उसके बाद सेकंड कुछ भी करो आप। तो ये थे सूरज जी, जिन्होंने आज 11th चंडीगढ़ मिस्टर चंडीगढ़ का ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन इन्होंने एक यूथ को क्या, सभी लोगों को भी एक अच्छा मैसेज दिया है कि हमारा जो शरीर है वो हमारी एक सबसे अनमोल धरोहर है, हमारा एक अनमोल अंग है, इसका केयर करनी बहुत जरूरी है। मैं करमजीत सिंह अर्थ प्रकाश से अपने सहयोगी मनीष के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।